गुड नून ऑल, वेलकम यू ऑल इन दिस इंग्लिश रिवीजन वीडियो. बेटा, टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू रिवाइज ग्रामर टॉपिक. देर आर टू एक्सरसाइजेज बेटा, वन इज एरर एंड करेक्शन एंड सेकेंड एक्सरसाइज दैट इज एडिटिंग एंड ऑमिशन. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एरर एंड करेक्शन. सो वट इज द एग्जाम्पल? द फाइव ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रान, सो दे फील इट बिलो their dignity to talk to each other. No error. We have to find out error, beta. Okay, in this sentence, what is the error? Error can be in A option, B, B part, C part, and D part. Okay, we have to find it. So, firstly, see, the five brothers are at daggers drawn, so they feel it below their dignity to talk to each other. No error. So, we have seen ki five brothers. आर सब्जेक्ट इज इन प्लूरल. सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लूरल है, ब्रदर्स. ठीक है, फाइव ब्रदर्स. देन विद प्लूरल वी कांट यूज ईच अदर. ईच अदर हम किसके लिए यूज करेंगे? टू पर्सन्स के लिए, है ना? तो मोर देन टू पर्सन्स हैं यहाँ पे, मोर देन टू हैं, देन वन अनदर विल बी द आंसर. ठीक है, तो ईच अदर तो हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा? टू के लिए यूज करेंगे. बट हमारा जो सब्जेक्ट क्या है? फाइव ब्रदर्स है, देन तो ईच अदर की जगह क्या आएगा? वन अनदर. सेंटेंस विल बी राइट, द फाइव ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रान, सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू वन अनदर. क्लियर? सो वेयर इज एरर? एरर इज हियर, ऑप्शन नंबर सी में एरर रहेगा आपका. क्लियर बेटा? Now come to second sentence. What it says? One should be true to his word in all circumstances. No error. See the sentence, beta. क्या कहता है हमारा sentence? One should be true to his word. Word का meaning यहाँ पे रहेगा promise से. ठीक है, promise कि हर किसी को अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करना चाहिए, अपने प्रॉमिस जो आपने किया उस पर पूरा रहना चाहिए आपको. ठीक है, तो वन शुड बी, तो वन का पोजेसिव क्या रहेगा? हिज नहीं आएगा, वन का पोजेसिव वंस बनेगा. व्हाट विल बी द राइट आंसर? वंस. वन शुड बी ट्रू टू वंस इन वंस वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस. क्लियर? दिस विल बी द राइट आंसर. सो एरर कौन से पार्ट में रहा हमारा? B part में. There is error in B part. Clear? Come to sentence number third. He introduced to the chairman as the general secretary of the party. No error. Third sentence में क्या mistake है बेटा? He introduced to the chairman. Okay. Introduced. Introduced के बाद कोई object नहीं है, तो sentence को एक बार read करो, हिंदी बनाओ इसकी. इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी. तो उसने इंट्रोड्यूस करवाया, किसको इंट्रोड्यूस करवाया? चेयरमैन को. किसको करवाया? खुद को करवा सकता है वो, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव होता, टू इज फादर, टू इज मदर, तो हम कह सकते थे, है ना? लेकिन यहाँ तो कोई भी इंट्रोड्यूस के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव में आएगा आंसर आपका ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. बट विल बी द आंसर? ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. ठीक है, तो ए पार्ट में आपका मिस्टेक है. क्लियर बेटा? ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ विल बी द राइट आंसर. ठीक है, इंट्रोड्यूस टू हिमसेल्फ द चेयरमैन, लाइक दैट. कम टू फोर्थ. थैंक गॉड Your family and you are safe. No error. What will be the mistake here? क्या mistake हो सकती है? Your family and you are the, देखो बेटा English में क्या है, पहले second person आएगा. अगर positivity में आपका sentence है, thank God, positive है हमारा sentence, है ना, कि thank God your family and you are safe, तो क्या answer आना चाहिए आपका? जो second person है वो पहले आएगा. You is second person. यू को हम पहले रखेंगे सेंटेंस में, फिर यूर फैमिली थर्ड पर्सन जाएगा, फिर फर्स्ट पर्सन जाता है. फर्स्ट पर्सन सेंटेंस में नहीं है, तो हमारा मिस्टेक कहाँ है? बी पार्ट में.
ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, थैंक गॉड यू एंड योर फैमिली आर सेफ। क्लियर बेटा। कम टू फिफ्थ सेंटेंस, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्फ फिट, नो एरर। क्या मिस्टेक है यहाँ पे? यस, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू फिट टू कीप आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, ओके। वी इज प्लूरल, वी क्या है, प्लूरल है, तो आवर सेल्फ क्या बना बेटा, सिंगुलर के लिए नहीं लगाना, वी प्लूरल है तो हमारा यहाँ भी जो रिफ्लेक्सिव है वो भी आवर सेल्फ आना चाहिए, ठीक है। सो मिस्टेक कहाँ है, सी पार्ट में, आवर सेल्फ, वी ई एस लगेगा, ओ यू आर एस ई एल वी ई एस, आवर सेल्फ विल बी द राइट आंसर। क्लियर। यस, कम टू सिक्स सेंटेंस, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग, नो एरर। तो इसमें सेंटेंस में क्या मिस्टेक रहेगा, हु इज द सब्जेक्ट हियर, मदर, कौन सब्जेक्ट है यहाँ पे, मदर है। द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग्स, मदर क्या है, मदर के साथ हिज नहीं लगेगा, मदर के साथ क्या लगेगा, हर ब्लेसिंग्स, क्योंकि सब्जेक्ट मदर है तो हिज ब्लेसिंग फादर के लिए नहीं है, ये मदर लिखा हुआ है तो मदर के लिए हर लगता है, सो देर इज मिस्टेक इन पार्ट नंबर सी, ठीक है। सो दीज वर एरर एंड करेक्शन बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डू एडिटिंग एंड ओमिशन, सो लेट स्टार्ट। सी बेटा, बोथ टाइप क्वेश्चन यूज टू कम इन एग्जाम, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेंजा, द ग्रेट पार्ट ऑफ अर्ब डेजर्ट, हियर देयर आर नथिंग बट सैंड, द सैंड इज वेरी हॉट दैट यू कैनॉट वॉक ऑन इट विद योर बेयर फीट एट द डे टाइम, हियर एंड देयर आर स्प्रिंग ऑफ वाटर, दीज स्प्रिंग्स आर फ्यू एंड फॉर अपार्ट, बट वेयर देयर इज वन ग्रीन ग्रास स्प्रेड ऑल राउंड इट। सो वट विल द मिस्टेक हियर, फर्स्टली सी फर्स्ट सेंटेंस बेटा, द ग्रेट पार्ट ऑफ अरब, सी अरेबिया विल बी द राइट आंसर, हियर इज मिस्टेक, अरब, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरब अरेबिया इज अ डेजर्ट, हियर देयर आर नथिंग, हियर देयर इज नथिंग, आर इज मिस्टेक हियर, वट विल द राइट आंसर इज, हियर देयर इज नथिंग बट सैंड, ठीक है। इन थर्ड लाइन वट इज द मिस्टेक, द सैंड इज वेरी हॉट दैट यू, वेरी इज मिस्टेक हियर, द सैंड इज सो हॉट दैट यू कैनॉट वॉक ऑन इट विद, ऑन, वट इज द मिस्टेक, ऑन, ऑन की जगह क्या आएगा बेटा, ओवर, कैनॉट वॉक ओवर इट विद योर बेयर फीट एट द डे टाइम, एट द डे टाइम नहीं आता, इन द डे टाइम, ठीक है, तो एट में मिस्टेक रहेगा। देन हेयर एंड देयर आर स्प्रिंग ऑफ वाटर, हेयर एंड देयर आर स्प्रिंग्स ऑफ वाटर, स्प्रिंग्स ऑफ वाटर, दीज स्प्रिंग्स आर फ्यू एंड फार अपार्ट, फोर अपार्ट, तो क्या आंसर आएगा, फोर में मिस्टेक है, फार आएगा बेटा, इन द एफ ए आर, क्लियर। बट वेयर देयर इज वन, वेयर एवर, वेयर एवर देयर इज वन ग्रीन ग्रास स्प्रेड ऑल अराउंड इट, अराउंड में मिस्टेक रहेगा, सो दिस वॉज फर्स्ट स्टेंजा बेटा, क्लियर। लेट्स रिवाइज अगेन, फर्स्ट स्टेंजा में क्या मिस्टेक था, अरेबिया, अरब की जगह अरेबिया आएगा, एंड हियर देयर इज नथिंग इज आएगा बेटा, एंड द सैंड इज सो हॉट एंड कैनॉट वॉक ओवर इट, एंड योर बेयर फीट इन द डे टाइम, हियर एंड देयर आर स्प्रिंग्स ऑफ वाटर, एंड दीज स्प्रिंग्स आर फ्यू एंड फार अपार्ट, बट वेयर एवर देयर इज वन ग्रीन ग्रास स्प्रेड ऑल अराउंड इट, क्लियर। सो कम टू स्टेंजा नंबर सेकेंड, द ब्लाइंड वीमैन लिव्ड ऑन अ हैंडफुल ऑफ राइस, शी हैज नो विश फॉर फाइन क्लोथ्स,
She could never show her son's face, but he is everything in the world for her. All the money she learned by pulling the punka she spent on her boy. The boy began as a mission teacher. He's helped to bring light to the land of his blind mother. So, firstly see in first sentence, what is the mistake? Handful, spelling of handful. It is wrong. What will be the right answer? H-A-N-D-F-U-L. Clear? Second line, she has no wish. She had. ठीक है, past में है ना, देखो lived. Past की verb है, simple past. Stanza past में है हमारा, तो she had आएगा बेटा. Has is wrong here. She had no wish. She had no wish for fine clothes. ठीक है, she could never see her son's face. मॉडल्स के साथ कौन सी वर्ब लगती है, फर्स्ट लगती है. सो यहाँ पे क्या आएगा, सी. ओके, सी हर सन्स फेस, बट ही वॉज एवरीथिंग. इज रॉन्ग हेयर. पास्ट में सेंटेंस चला हुआ है हमारा, जो स्टेंजा है पास्ट में है, तो ही वॉज आएगा बेटा. इज की जगह क्या आएगा, वॉज. ही वॉज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हर. ठीक है, इन द वर्ल्ड फॉर, यस यहाँ भी मिस्टेक है. फॉर नहीं होता, इन द वर्ल्ड टू हर. ठीक है, रिलेशन बताना है तो टू आएगा, फोर इज रॉन्ग हेयर. ऑल द मनी शी अर्न, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि पास्ट में हमारा टेंस चला हुआ है. सो क्या आंसर आएगा, अर्नड. सेकंड फॉर्म करो, अर्नड. शी अर्नड बाय पुलिंग द पुंका. शी स्पेंट ऑन हर बॉय. शी स्पेंट फर्स्ट फॉर्म है, स्टेंजा आपको पता है पास्ट में चला हुआ है, तो स्पेंट इज द राइट आंसर. ओके, स्पेंट वर्ब आएगी यहाँ पे. नेक्स्ट लाइन में देखो, द बॉय बिगिन वर्ब ऑल्सो रॉन्ग अगेन. बिगैन विल बी द राइट आंसर.